एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 7 सदस्यीय कमेटी की गठन की है। वहीं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी शुक्रवार को सौंप दी है। आपको बता दें कि नागर विमान सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर बनाई गई इस कमेटी ने माना है कि सुबह में विमानों की हो रही लेट लतीफी से परिसर में विमानों की बंचिंग हो जा रही है। दरअसल एक समय में कई बार 6 से 7 विमानें एक ही समय में आवाजाही की स्थिति में बन जाती हैं, जिससे टर्मिनल वाइंडिंग के बाहर और भीतर लंबी लाइनें लग जाती हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि पटना एयरपोर्ट से हर घंटे फिलहाल 3 से 4 विमानों की परिचालन हो, ताकि यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट परिसर में ना लगे और उन्हें चेक इन एरिया और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में ज़्यादा देर तक कतार न लगाना पड़े। सुबह और शाम में हर घंटे विमानों की संख्या 5 से 6 रहे। कुहासा की वजह से पहली फ्लाइट हमेशा 9 बजे के बाद आती है। समस्या तब बढ़ जाती है जब उनके बाद भी विमानों की लेट लतीफी ज़्यादा हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने के बाद भी भीड़ की वजह विमानों की संख्या में बढ़ोतरी है। फिलहाल पटना एयरपोर्ट से कुल 40 विमान उड़ान भर रही हैं। पटना से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट।